टाइगर से लेकर लॉयन और आपके पड़ोसियों के बिल्ली तक, कैट्स पूरी दुनिया में हर तरह के और विभिन्न प्रजातियों के पाए जाते हैं। हमने तैयार की है एक ऐसी लिस्ट जिसमें कैट्स की 10 बेहद ही खतरनाक और अनदेखी प्रजातियों के बारे में अनसुनी बातें बताई गई है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस लिस्ट के अंत तक ताकि आपको कैट किंगडम के टॉप 10 कैट्स के बारे में पता चले। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है नेशनल डिस्कवरी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा साइंस एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कमाल के अनसुने फैक्ट्स। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नंबर 10 पर है कैरिकल। दोस्तों, कैरिकल एक 20 से 25 किलो का मांसाहारी जीव है जिसका कुल आकार 3 से 4 फुट तक का होता है। ये जीव ज्यादातर सहारा रेगिस्तान के साथ साथ सवानास और अफ्रीका के जंगलों में भी पाया जाता है। ये दिखने में सुनहरे रंग का और काले नुकीले कानों वाला बेहद ही खूबसूरत जीव है। ये अपने से 5 किलोमीटर दूर से आ रही आवाजों को भी बड़ी आसानी से सुन लेता है, क्योंकि इन जीवों का सुनने का क्षमता इंसानों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होता है। इस जीव को खासकर चिड़ियों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। आमतौर पर ये जीव अपने कुल लंबाई से 4 गुना लंबी छलांगे लगा लेता है। ये जीव आज सिर्फ अफ्रीका और एशिया के कुछ जंगलों को छोड़ दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, और कुछ गिने चुने वाइल्ड लाइफ रिजर्व में भी ये देखा जाता है। और एक वयस्क मादा कैरिकल अपने बच्चों का बिना पुरुष कैरिकल के ही पालन पोषण करती है, क्योंकि प्रजनन के बाद से ही पुरुष कैरिकल मादा को छोड़ जाता है। दोस्तों, ये जीव लीगली प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ साउथ अफ्रीका के द्वारा, जो कि इन जीवों के शिकार के खिलाफ सख्त कदम उठाता है। नंबर 9 पर है क्लाउडेड लेपर्ड। जैसे कि इसका नाम है, इसके बदन पर बादल जैसे काले रंग के निशान बने हुए हैं, और ये आमतौर पर हिमालय की फुटहिल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड से होते हुए सदर्न चाइना तक के इलाकों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर घने जंगलों में रहना पसंद करता है, और ये बड़े ही मुश्किल से दिखते हैं क्योंकि ये छुपने में बेहद ही माहिर होते हैं। इनकी हाइट 84 सेंटीमीटर से लेकर 91 सेंटीमीटर तक होती है, और लंबाई में 70 से लेकर 108 सेंटीमीटर तक होते हैं, जिसमें इनकी पूंछ जो इन्हें पेड़ों पर चढ़ने उतरने और बैलेंस बनाए रखने में बेहद ही मददगार होती है, उसकी लंबाई 61 से लेकर 91 सेंटीमीटर तक की होती है। तो कुल सर से लेकर पैर तक की लंबाई 135 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मांसाहारी जीव है और आमतौर पर रात में हिरन, सुअर और आदि जानवरों का शिकार करते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड ज़्यादातर दिसंबर से लेकर मार्च के महीने के बीच प्रजनन करते हैं, और इनका प्रेगनेंसी पीरियड 87 से लेकर 97 डेज तक का होता है, जिसमें मादा लेपर्ड एक साथ 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी तरह अकेले करती है। और ये जीव तादाद में कम होने के कारण ये बहुत ही रेयरली दिखते हैं। नंबर 8 पर है यूरोपियन लिनिक्स। दोस्तों, यूरोपियन लिनिक्स एक मध्यम आकार का जंगली बिल्ली है जो कि सेंट्रल और पूर्वी यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया, साइबेरिया और हिमालयस के कुछ पहाड़ियों में पाया जाता है। ये जीव मध्यम यूरोपीय जंगलों में 5,500 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये जीव जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, इसकी कुल लंबाई अपने सर से पूंछ तक 108 से लेकर 130 सेंटीमीटर तक की हो जाती है, और इसका वजन 40 से 80 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। यूरोपियन लिनिक्स यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा शिकारी जीव है। ये आम बिल्लियों के मुकाबले में घने बालों वाली और नुकीले कानों वाली होती है। ये जीव आमतौर पर छोटे और मध्यम वर्ग के जीवों का शिकार करना पसंद करता है, और प्रजनन काल के बाद यूरोपियन लिनिक्स एक बार में 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है, जो कि बड़े होते होते 2 या 3 ही सर्वाइव कर पाते हैं, और ये जीव वयस्क होने तक पूरी तरह मादा लिनिक्स पर ही निर्भर रहते हैं। इन जीवों के तादाद में 700 तक की गिरावट देखी गई थी 1930 और 1950 के बीच, पर अभी के वक्त में सख्त कानून के चलते ये जीव विलुप्ति के कगार से बाहर है। नंबर 7 पर है जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जीव चीता, जो अपने रफ्तार के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इनकी सबसे बड़ी आबादी सब सहारन अफ्रीका और नॉर्थन ईरान में पाया जाता है, और ये एशिया के कुछ इलाकों में भी पाए जा सकते हैं। चीता अपने विकसित रूप में 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक जा सकता है। इसकी इस रफ्तार के पीछे इसके शरीर की बनावट है जो पूरी तरह से एरोडायनेमिक है,
ये अपने वयस्क स्थिति में कुल 67 से लेकर 94 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो सकता है और लंबाई में 1.1 से लेकर 1.5 मीटर तक का होता है और इनका वजन 20 से लेकर 60 केजीज के बीच होता है। चीता ज़्यादातर दिन में खरगोश, हिरन और अन्य जीवों का शिकार करता है और नॉर्मली चीता का जीवन काल 12 से 15 वर्ष का होता है, जिसमें ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। चीता ज़्यादातर साल भर प्रेग्नेंट कर सकते हैं और इनकी प्रेगनेंसी पीरियड 90 से लेकर 98 डेज के बीच होती है, जहां मादा चीता एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। पिछले कुछ 20 वर्षों में चीता की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, लगभग 9000 से लेकर 12000 चीता ही बचे हुए हैं। कारण है इनके निवास स्थान का नुकसान और हद से ज़्यादा शिकार। फिलहाल गवर्नमेंट के सख्त रूल के कारण इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो एक बेहद ही अच्छी न्यूज़ है। नंबर 6 पर है लेपर्ड या फिर तेंदुआ। दोस्तों, तेंदुआ अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जीव पेड़ों पे आसानी से चढ़ने के लिए मशहूर है। दोस्तों, आमतौर पर तेंदुआ हिरन का ही शिकार करना ज्यादातर पसंद करता है। ये अपने से 2 गुना ज्यादा वजनदार जीव को भी आसानी से घसीटते हुए पेड़ों पर ले खाता है। एक वयस्क तेंदुआ वजन में 30 से 35 किलो तक का होता है और इसका कुल लंबाई सर से लेकर पूंछ तक 60 से 70 सेंटीमीटर तक का होता है। ये जीव औसतन 72 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में दौड़ सकता है। ये जीव ज़्यादातर सहारा अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, मध्यम एशिया, भारत और चीन में पाया जाता है। ये जीव अपने अपने क्षेत्रफल के अनुसार साल भर प्रजनन कर सकते हैं। अफ्रीका में इन जीवों को जनवरी से मार्च के बीच प्रजनन करते हुए पाया गया है। ये औसतन 15 से 18 साल तक का जीवन काल जीते हैं। ये जीव बाघ और शेर के प्रजाति से ज्यादा मेल खाते हैं। नंबर 5 पर है स्नो लेपर्ड, जो कि एक बहुत ही रेयर जानवर है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके नाम को सुनकर आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये ज्यादातर बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और आमतौर पर सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट चाइना और तिब्बत में ज्यादातर दिखता है। ये देखने में थोड़े बड़े से लगते हैं। कारण है इनके शरीर पर उगे हुए लंबे और घने बाल, जो कि इन्हें ठंड से बचाकर रखते हैं। इनका जीवन काल आमतौर पर 13 से 17 साल के बीच होता है और अपने वयस्क स्थिति में ये अपने कंधों तक 56 सेंटीमीटर ऊंचे और लंबाई में 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनका पूंछ 80 से लेकर 105 सेंटीमीटर तक का होता है और उनका कुल वजन 22 से लेकर 55 केजी के बीच होता है। जो बाल इन्हें ठंड से बचाकर रखती हैं, उनकी लंबाई 5 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये साल में अप्रैल से अगस्त तक के महीने के बीच प्रजनन करते हैं, क्योंकि उस समय में ठंड थोड़ी कम होती है, जो कि छोटे बच्चों के लिए काफी अच्छी है। और मादा लेपर्ड 93 दिनों से लेकर 110 दिन के लिए गर्भ धारण करती है और उसके बाद अकेली अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। स्नो लेपर्ड की संख्या काफी कम है, 110 के नीचे, जो कि विलुप्ति के कगार पर है। और इसका कारण है इंसानों द्वारा फैलाया हुआ ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और काफी मात्रा में अवलांच आते हैं, जो कि इन जीवों के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 4 पर है पूमा। ये एक बेहद ही खूबसूरत जीव है, जो कि दिखने में चीता और शेर का मिश्रण लगता है। ये जीव आमतौर पर अकेले शिकार करके अपना खुराक मिटाते हैं। ये जीव अमेरिका, स्पेन, कैनेडा, साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन जीवों का औसतन वजन 120 किलोग्राम होता है और लंबाई में सर से पूंछ तक 60 से 90 सेंटीमीटर तक का होता है। पूमा ज्यादातर स्तनधारी जीवों का शिकार करता है, खासकर हिरन, छोटे चूहे और बीवर्स आदि। ये औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में दौड़ता है। इन जीवों का औसत जीवन काल 8 से 13 साल तक का होता है, जिसमें 5 से 6 बार तक का प्रजनन काल है। दोस्तों, ये एक बेहद ही शानदार जीव है, जो कि 82 से 96 डेज तक का गर्भ धारण करते हैं। ये जीव बहुत ही कम देखे जाते हैं और विलुप्ति के कगार में है। इसका कारण है ज्यादा मात्रा में शिकार। तो नंबर 3 पर है जगुआर, जो कि एक खूंखार शिकारी है और बेहद ही आक्रामक होते हैं। बाकी बड़ी बिल्लियों की तरह ये भी अपनी जिंदगी में अकेला रहना पसंद करते हैं और सिर्फ मिलन के समय ही साथ रहते हैं। ये ज्यादातर सदर्न अरिजोना और न्यू मैक्सिको से लेकर नॉर्थ ईस्ट अर्जेंटीना और नॉर्थ ईस्ट ब्राजील में ज्यादातर पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। इनका भी जीवन काल 12 से 15 वर्ष तक का होता है, जिसमें बाकी बड़ी बिल्लियों से ये जल्दी विकसित हो जाते हैं।
और जब ये पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तब उनकी ऊंचाई कंधों तक 68 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की होती है और लंबाई 1.12 से लेकर 1.85 मीटर तक की हो सकती है, जिसमें इनका वजन 150 से लेकर 160 केजी तक पहुंच सकता है। बाकी बिल्लियों से जगुआर का बाइट फोर्स ज्यादा होता है जो कि 4.93 किलो न्यूटन है और पाउंड्स में 1110 होता है। ये साल में कभी भी मिलन कर सकते हैं और मादा जगुआर 93 डेज से लेकर 105 डेज तक गर्भ धारण करती है, जिसमें पुरुष जगुआर बच्चे पैदा होने तक ही साथ रहता है, फिर कुछ दिनों बाद बच्चों और मादा जगुआर को छोड़ चला जाता है। नंबर दो पर है शेर। दोस्तों, तकरीबन सारे शेरों की आबादी अफ्रीका में ही पाई जाती है, पर एक छोटी सी तकरीबन 300 के आसपास की आबादी भारत के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में भी पाई जाती है, जो कि पश्चिम भारत में है। एक विकसित शेर का वजन 190 से 200 किलोग्राम तक का होता है और इसी के विपरीत मादा शेरनी का वजन औसतन 125 से 150 किलोग्राम तक का आंका गया है। पैदावार के वक्त छोटे बच्चों के बदन पे छोटे काले धब्बे होते हैं जो कि चीता की तरह दिखते हैं, पर बड़े होते होते वे निशान मिट जाते हैं। शेर की दाढ़ी जितनी काली होती है उतना ही प्रभावशाली शेर होता है और मादा शेरनियों को भी उतना आकर्षित करता है। शेर प्रजनन के बाद मादा को छोड़ता नहीं है जैसा कि बाकी बिल्लियों में होता है, बल्कि वो अपने वारिस और उसके झुंड के साथ बना रहता है। शेर एक दिन में 40 किलोग्राम तक का मांस खाता है, क्योंकि शिकार करने के बाद कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ सकता है अगले शिकार तक। आमतौर पर रात और शाम के वक्त में शेर शिकार करना पसंद करते हैं। शेर ही एकमात्र ऐसा जीव है कैट किंगडम्स में जो कि साथ मिलकर गरजते हैं। एक शेर आमतौर पर 15 से 20 साल तक का जीवन काल जीता है। तो दोस्तों, नंबर एक पर है साइबेरियन टाइगर। ये जीव आज तक के सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा विशाल और वजनदार होते हैं। एक औसतन साइबेरियन टाइगर का वजन 320 से लेकर 350 किलो तक का हो सकता है और इनकी कुल लंबाई 208 सेंटीमीटर तक आकी गई है। दोस्तों, साइबेरियन टाइगर आमतौर पर साइबेरिया और रशिया में पाया जाता है। भारत में भी टाइगर है, पर भारत के बंगाल टाइगर दूसरे नंबर पर आते हैं साइबेरियन टाइगर के मुकाबले। साइबेरियन टाइगर को आसानी से पहचाना जा सकता है उसके काले निशानों के बदौलत। साइबेरियन टाइगर के मुकाबले बंगाल टाइगर ज्यादा पाए जाते हैं। एक टाइगर का औसतन जीवन काल 20 से 26 वर्ष का होता है। साइबेरियन टाइगर एक मात्र ऐसे जीव हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। जहां एक और सभी बड़ी बिल्लियां पानी में जाने से बचते हैं, वहां दूसरी ओर टाइगर बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। टाइगर के छोटे बच्चे पैदा होने के एक दो हफ्तों में अपनी आंखें खोलते हैं और 6 महीने के होते होते ही शिकार करना सीख लेते हैं। टाइगर सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक शिकारी हैं बाकी जंगली बिल्लियों के मुकाबले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में।